एमपी में विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान जारी है, जहां कांटा फोड़ के आदर्श मतदान केंद्र पर मतदान जारी है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस ने जीत का दावा किया। कांग्रेस के गोपाल भोसले व भाजपा के मुरली भवरा मैदान में है। भाजपा को विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं से जीत की आस है, तो कांग्रेस का कहना है कि जनता परिवर्तन करके रहेगी। देखिए रिपोर्ट। पूरे बागली विधानसभा क्षेत्र में और संपूर्ण देवास जिले में भारतीय जनता पार्टी पांचों सीटों जीतने जा रही है और बागली विधानसभा भी इतिहास रचने जा रही है। क्या संदेश आप मतदाताओं को देना चाहेंगे? यह चुनाव का महापर्व है और इस महापर्व में प्रत्येक मतदाता को अपने मत का उपयोग करना चाहिए। इस मतदान से एक राष्ट्रवादी ताकत को महत्व मिलेगा। कन्नौज खातेगांव में अभी आप प्रभारी हैं, वहाँ किस प्रकार देखते हैं पूरे चुनाव को? कन्नौज खातेगांव हम ऐतिहासिक वोट से पंडित आशीष शर्मा चुनाव विजय होंगे, ये जवाबदारी से बोल रहा हूँ मैं। देखिए, हम लोगों ने सुबह सुबह ही बिल्कुल सब परिवार अपने मत का प्रयोग करा है और जो स्थिति हमको आज प्रदेश में दिख रही है और जो खास करके बागली विधानसभा और देवास जिले में हमको दिख रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि निश्चित हमको लग रहा है कमलनाथ जी मंत्री बनेंगे और बागली विधानसभा से गोपाल भोसले भारी बहुमत से चुनाव जीत के विधानसभा में जाएंगे। क्या संदेश मतदाताओं को देना चाहते हैं आप? बस हम तो ये चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ बहुत दिन हो जाते हैं और वो अपने घर में भी खराब लग रही है तो उसको बैठा के नई बदलाव और नई चीज़ लाना चाहिए। वो स्थिति मध्य प्रदेश की है, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और जनता बहुत परेशान है, हर वर्ग परेशान है। इस बदलाव को अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें ही जनता को और हमारे जैसे लोगों को भुगतना पड़ेगा।